क्वेश्चन है द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3.32 × 10⁻²⁷ kg. इफ 10⁻²³ एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकंड एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए रिजिड वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल एंड रिबाउंड बैक विद ए स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल इज प्रेशर एग्जर्टेड बताना है ऑन द वॉल इज क्या होगा. तो इस केस में क्या हो जाए हमारे पास अगर यहाँ पे कंपोनेंट ले इसके तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45 या थीटा हो जाएगा हमारे पास. तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा एंड दैट इज v sin थीटा. ये हो गया हमारे पास जब आ रही है तो इस डायरेक्शन में भी हमारे पास क्या हो जाएंगे दो कंपोनेंट आ जाएंगे. ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा. ये क्या हो जाएगी हमारे पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा v cos थीटा एंड देन v sin थीटा. ये हो गया हमारे पास. तो चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगी इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी फाइनल क्या है हमारे पास v cos थीटा और इनिशियल क्या है माइनस. चेंज देना है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस माइनस v cos थीटा. तो ये क्या हो जाएगी 2v cos थीटा आ जाएगी हमारे पास. और इन वाई डायरेक्शन में हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या है जीरो. वाई डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी जीरो. तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा वाई डायरेक्शन में. मोमेंटम भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वाई डायरेक्शन में. तो चेंज इन मोमेंटम फॉर वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास एम वी कोस थीटा 2mv cos थीटा और इनटू में n कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक हो रहे हैं पर सेकंड n क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकंड इनटू में n आ जाएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नियर मोमेंटम और यही हमारे पास क्या होगा फोर्स होगा. यही हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा. ये हमारे पास क्या है वन मॉलिक्यूल के लिए इतना हो जाएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा हमारे पास 2mv cos थीटा इनटू में n. n यहाँ पे है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकंड और यही हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा. तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया. प्रेशर क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया. फोर्स हमारे पास क्या है 2mv cos थीटा इनटू में n डिवाइड बाय में एरिया. तो 2 इंटू में मास क्या दे रखा है हमें 3.32 इंटू में 10⁻²⁷ के जी इंटू में वेलोसिटी हमें दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड 1000 इंटू में कोस थीटा यानी कि कोस 45 डिग्री इंटू में 10⁻²³ डिवाइड बाय में एरिया इसने दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2⁻⁴. ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.34 इंटू में 10⁻³ पास्कल. इतना प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा. दिस इज द क्वेश्चन.